ना राइड करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। कैंप वाला जो एरिया है ना मॉनेस्ट्री से बाहर आ जाए, यहाँ पे एक लौंडा मिला है छोटा सा, एकदम पहाड़ वाला फील है। तो हियर वी आर। तो गाइस बहुत दिनों बाद ना देहरादून का मौसम जो है वो खुला है और अभी हम लोग निकल चुके हैं अपनी एक राइड पे। तो वैसे आज जाने का प्लान था धनौल्टी साइड बर्फ देखने, बट ना कोई फायदा नहीं जाके, दो दिन हो चुका है बर्फ पड़े हुए और धूप दो दिन से लगी हुई है। तो आई गेस वहाँ पे बर्फ जो है वो पिघल गई होगी ऑलमोस्ट। तो थोड़ी बर्फ देखने क्या जाना, इसलिए जब ज्यादा बर्फ पड़ेगी ना तब वहाँ पे जाएंगे अभी हम लोग। तो अभी देखो ये जा रहा है रास्ता धनौल्टी के साइड और ये जा रहा है मसूरी साइड। अगर बर्फ पड़ी होती ना तो मैं एक बारी को भी नहीं सोचता और निकल जाता अभी, बट कोई फायदा नहीं है अभी जाके क्योंकि बर्फ पिघल ही गई होगी। तो आज का जो प्लान है वो है दराय हिल्स जाने का, क्योंकि वहां मैं कभी गया नहीं हूँ ऐसे वीडियो वगैरह बनाने और वो जगह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो अभी वहीं जाने का प्लान है। और जो दलाई हिल्स है ना वो देहरादून से अराउंड 37-38 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब अगर आप लाइब्रेरी शॉप पहुंचते हो वहां से 3 किलोमीटर आगे और है दलाई हिल्स। तो चलिए फिर इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सकलानी के ब्लॉग्स पे। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना राइड करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि इतना सामने सुंदर सा व्यू है मसूरी का, जो देख के ना अलग ही सा लग रहा है एकदम। और धूप अभी ठंडे में जब धूप लगती है ना शरीर में तो एक अलग सा एहसास होने लगता है, एकदम मजा सा आ जाता है, अभी वही लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मसूरी। देखो यहाँ बस स्टैंड है मसूरी का। तो बस यहाँ से ना आगे लाइब्रेरी चौक आने वाला है। लाइब्रेरी चौक से अराउंड 3 किलोमीटर आगे है दलाई हिल्स। यहाँ की एकदम वाइब्स ही कुछ और है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लगती है यहाँ पे। बस अभी ये है कि अभी फ़ायदा ये है कि मॉर्निंग का टाइम है ना तो इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है इस तरफ पे। अभी थोड़ी देर दिन होगा ना क्योंकि आज संडे है ऑलरेडी, दिन होगा दिन के बाद तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो दलाई हिल्स का वैसे ऑलमोस्ट सभी को रास्ता पता ही होगा, ये वाला रास्ता जाता है। और यहाँ की मार्केट अभी ओपन हुई नहीं है, मॉर्निंग का टाइम है तो शायद अभी थोड़ी देर में हो जाए। तो गाइस हैप्पी वैली की गलियों में हम लोग घूम रहे हैं और ऑलमोस्ट पहुंच ही गए लोकेशन में। ये पूरा तिब्बतन रेफ्यूजी कैंप वाला जो एरिया है ना वो स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। चलो 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 चलो। ओके तो गाइस फाइनली हैप्पी वैली दलाई हिल्स हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग हैं उसके गेट पे, ये पीछे गेट है। तो अभी हम लोग जाएंगे आगे। तो सबसे पहले ना मैं आपको बताता हूँ कि जो मॉनेस्ट्री है यहाँ की वो इस साइड से जाके लेफ्ट में, बट हम लोग अभी ऊपर भी जाएंगे तो ऊपर बाद में जाएंगे। ऊपर जाने के लिए रास्ता ये वाला है, बट पहले हम लोग जाएंगे यहाँ लेफ्ट वाले पे। तो अभी चलते हैं नीचे की साइड। सो ये है यहाँ की मॉनेस्ट्री का जो मेन गेट है। तो लुक मतलब आते हैं यहाँ की वाइब्स एकदम डिफरेंट सी है। तो ये मेरे पीछे है मॉनेस्ट्री जो कि दलाई हिल्स की मतलब मेन जो चीज़ है ना, जो मतलब यहाँ की शुरुआत हुई थी वो इस वाली मॉनेस्ट्री से हुई है। तो अभी हम लोग ये मॉनेस्ट्री से बाहर आ गए तो अभी जाएंगे ऊपर जो दलाई हिल्स का मेन जो पॉइंट है यहाँ पे, जो टूरिस्ट स्पॉट है ना प्रॉपर, तो मतलब जो ऊपर पे है वहाँ पे चलते हैं अभी, क्योंकि वो वाली जो लोकेशन है वो बहुत सुंदर है। तो बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ तो बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत मन कर रहा है कि फटाफट से ऊपर जाऊँ। तो गाइस ये छोटा सा ट्रैक है, आई गेस 400 मीटर का ये रास्ता है ऊपर दलाई हिल्स टॉप तक। तो ऐसी प्यारी सी छोटी छोटी गलियों से होते हुए ये रास्ता को ऊपर को जाता है। तो यहाँ पे एक लौंडा मिला है छोटा सा हमारा, बाबूजी नहीं कर रहे भाई, कुछ नहीं कर रहे। इस जगह की ना बात थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि एकदम पहाड़ वाला फील है यहाँ पर भी, छोटे छोटे घर हैं यहाँ बगल में। सबसे पहले जो पॉइंट पे अभी ये स्तूपा जो है इनका छोटा सा यहाँ पे आता है। ओके तो गाइस ऑलमोस्ट ऊपर हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी आप लोग देख सकते हो ये पूरे फ्लैग्स पीछे लगे हुए हैं, जो बहुत ही सुंदर इसका व्यू आ रहा है। बाकी इन्होंने ना एक चीज़ और कर दी है, यहाँ पे ये रेस्ट पॉइंट बना दिया है बैठने के लिए, आप यहाँ पे बैठ सकते हो। प्लस जो यहाँ पे एक शॉप थी छोटी सी वो अभी ओपन नहीं हुई है, शायद थोड़ी देर में हो जाए। बाकी और शॉप्स भी काफ़ी बन गई हैं यहाँ पे। और जो फ्लैग्स है ना इसकी क्वांटिटी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्होंने लगा दी, काफ़ी ज़्यादा लगा रखे हैं। तो हियर वी आर, ये है इसका गेट और सामने है बुद्धा का स्तूपा जो है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो गोल्डन है, ऊपर से धूप पड़ रही है तो अच्छा रिफ्लेक्शन इसका आ रहा है। तो गाइस लोकेशन ना बहुत ज़्यादा पीसफुल है, बहुत अच्छी है एक्चुअली में। जो ये फ्लैग्स जितनी जगह में फ्लैग्स होते हैं ना वो जगह में पॉजिटिव वाइब्स एक अलग लेवल की होती है और यहाँ पे भी वही है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और बेस्ट बात ये है कि मैं मॉर्निंग में आ गया तो ज़्यादा अभी क्राउड नहीं है तो इस वजह से ज़्यादा बेटर लग रहा है यहाँ पे। और अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से तो नीचे कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है, ये कोई स्कूल है गाइस ये सामने पे, मुझे पता नहीं कौन सा स्कूल है। और ये शायद कैंपटी फॉल का रास्ता है इधर साइड नीचे से कहीं जाते हुए।
बाकी जो बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं वो इसके पीछे है, उसकी विजिबिलिटी ना थोड़ी सी कम है, अदरवाइज वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर दिखती है यहाँ से। ओके, तो बात कर लेते हैं दलाई हिल्स के बारे में। तो इस जगह को ना हैप्पी वैली के नाम से भी जाना जाता है, और जो इस जगह की एस्टेब्लिशमेंट है ना वो हुई थी एक्चुअली में 1959 के आसपास। 1959 में यहाँ पे एक्चुअली में दलाई लामा जो थे वो यहाँ पे सबसे पहली बार यहाँ पे आए थे, और 1959 के बाद वो यहाँ पे अराउंड एक साल के अराउंड यहाँ पे रुके। उसके बाद 1960 में वो यहाँ से धर्मशाला चले गए। तो जब वो यहाँ से गए तो जो यहाँ पे तिब्बतींस लोग, जो बुद्धिस्ट लोग यहाँ पे रह चुके थे ना, उन लोगों ने इस जगह को बसाया। तो उस टाइम से ये जगह एस्टैब्लिश हुई है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें, जितने भी मतलब इनके स्कूल्स हैं, टेम्पल्स हैं, इनके हाउसेज हैं, उस टाइम से बनना शुरू हो गए थे। तो इनका ये पूरा रेफ्यूजी कैंप है। तो ये वाला एरिया अगर आप देखोगे ना, सारे यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग ही रहते हैं। और बात करते हैं अगर दलाई हिल्स की टॉप के बारे में, यहाँ पे अगर आप आओगे ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो तिब्बतन बुद्धिस्ट फ्लैग्स होते हैं ना, इनके मंत्रास वाले, वो यहाँ पे बहुत सारे लगे हुए हैं। साथ ही में जो स्तूपा है ना यहाँ पे, वो एक्चुअली में क्रिएट हुआ था 2014 में। तो बस यही है यहाँ की छोटी सी हिस्ट्री, बट काफ़ी अमेजिंग सी है। तो यहाँ पे ना छोटी सी वॉकिंग डिस्टेंस है, अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे आते हो उसके पीछे साइड, तो आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हो। यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉप्स भी हैं। तो अभी हमने चाय ऑर्डर करी है यहाँ पे, तो अभी थोड़ा सा चाय पी लेते हैं क्योंकि सुबह सुबह निकले थे ठंड में, तो मज़ा ही कुछ और है। देखो यार, कूड़ा देख रहे हो, ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत है। तो यहाँ पे आ रहे हो ना तो अपना कूड़ा अपने साथ लेके जाओ, नहीं तो यहाँ मत आओ भाई, सीधी सी बात। तो यार अभी ना मैं थोड़ा सा दलाई हिल्स के जो पॉइंट है वहाँ से थोड़ा सा नीचे की साइड आया हूँ। यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि जब भी आते हैं तो इस तरफ लोग आते ही आते हैं, क्योंकि ये जगह जो है ना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी है, पर रास्ता थोड़ा सा तंग है यहाँ पे, तो ऐसा छोटा सा रास्ता है। ओके, तो गाइज़ ये था दलाई हिल्स। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा हमारी तरह, क्योंकि हमें बहुत जगह ये पसंद है। अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी ये वाली वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और आप लोगों से मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो पे। टिल देन टेक केयर।